मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ये मालूम ही है कि पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है, वो जब सन के ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो उसकी पोजीशन बदलती रहती है। बदलेगी क्यों नहीं? क्योंकि सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहा है, एक सर्किल के पास को तो कवर नहीं कर रहा। अगर सर्कुलर होता है मोशन तो क्या होता, रेडियस हर जगह बराबर होता, तब निश्चित रूप से सन से उसकी दूरी हमेशा के लिए बराबर रहती। लेकिन यहाँ पर हम दो पोजीशन करते हैं। पोजीशन क्या है कि आपने देखा होगा कि हम सन से जब भी डिस्टेंस अर्थ का लेते हैं तो हम एक एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं कि हमसे इतनी दूरी पे है कि सन इज फार फ्रॉम अर्थ, उसको हम लिखते हैं इतने किलोमीटर। उसके एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, बताए एक एवरेज लेते हैं। तो एवरेज क्यों लिया जाता है? इसलिए क्योंकि हर एक मिनट पर सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है। तो मान लो बच्चों कि ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ क्या है? अर्थ एक पोजिशन आती है, वो पोजिशन मान लो बच्चों कि हमने कहा कि वो पोजिशन 4 जुलाई की है। 4 जुलाई की पोजिशन ऐसी होती है, उस पोजिशन में हमारी ये पृथ्वी, इसी को मैं अर्थ लिखे हैं, ये सन से सबसे अधिक दूरी पर होता है। सूर्य से मतलब कि इससे अधिक दूरी पर वो नहीं जा सकता है, वो ऑर्बिट को छोड़ करके। यहाँ पे करीब आए, यहाँ पे करीब आए, यहाँ दूरी बढ़ी, यहाँ दूरी बढ़ी, यहाँ दूरी, अंत में क्या है, ये दिस इज द फॉर्देस्ट डिस्टेंस। अब इसके आगे वो ऑर्बिट को नहीं जा पा रहा है। इस पोजिशन को जियोग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर मीन्स क्या है? एपहेलियन बोलते हैं। तो एक पोजिशन तो सबसे दूरी पे आ गई, सबसे डिस्टेंस पे चला गया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे चला गया। अभी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कब आता है? तो वो पोजिशन जो आता है वो 3 जनवरी को आता है, उसको हम कहते हैं हिंदी में उपसौर और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। अब आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अपसौर मतलब एपिहेलियन के दिन ये 15.2 करोड़ किलोमीटर, मतलब 15.2 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर रहता है। और जिस दिन इसका पेरिहेलियन होता है, मतलब जो कि नियरेस्ट पोजिशन में जब आता है, वो कितना होता है? 14.7 करोड़ किलोमीटर, मतलब 14.7 बिलियन किलोमीटर होता है। तो बच्चों, चूंकि ये दो पॉइंट बहुत जरूरी होता है जिससे कि हमको ये मालूम हो सके कि ऑर्बिट में अर्थ कहाँ तक अधिकतम दूरी पे उससे रहता है और कहाँ पे निकटतम दूरी पे रहता है। तो इसकी गणना करने पर लोगों ने पाया था, जो कि फैक्ट वो यही है कि नियरेस्ट पोजिशन कब आता है, वो ये आता है, और फार्देस्ट पोजिशन ये आता है। तो आशा है कि बच्चों आपने एफेलियन और पेरिहेलियन के बारे में भी समझ लिया होगा। अगले वीडियो तक के लिए बच्चों, बाय बाय।